सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को पहली बार हम परत दर परत खोल रहे हैं। सुशांत के परिवार ने कहा कि रिया काला जादू करती थी, तो ऐसा लगा कि जैसे 2020 में कोई मनगढ़ंत बातें हो रही हों। दरअसल मुंबई जैसे बड़े शहर में पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े स्टार के घर कोई तंत्र मंत्र होता होगा तो ये बात आसानी से पच नहीं पा रही थी। लेकिन सही बात वही बता सकता है जो सुशांत के साथ रिया के साथ उस घर में रहता था। हमारी टीम उन लोगों तक पहुंची जो सुशांत के घर में रहते थे। देखिए फिर क्या क्या बातें सामने आई। क्या सुसाइड से कुछ घंटे पहले सुशांत के घर पार्टी हुई थी? क्या सुशांत पर रिया काला जादू करती थी? क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन में चले गए थे? क्या सुशांत को फांसी के लिए उकसाया गया? क्या सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया? पहली बार आप देखने जा रहे हैं 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह की पूरी कहानी। वो सारे किरदार जो उस वक्त सुशांत के घर में मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ, दीपेश, पहली बार आप उन लोगों को सुनेंगे जिन्हें रिया के सुशांत की लाइफ में आने से लेकर रिया के घर से जाने तक की सारी जानकारी मालूम है। सबसे पहले नीरज की बात सुनवाते हैं। 14 जून को सुसाइड वाले दिन नीरज सुशांत के घर पर मौजूद था। सुशांत के डॉग को घुमाने ले गया था। नीरज ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास सुशांत से बात हुई थी, तब उनका मूड सही था। सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। फिर जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा। फिर ये ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी निकल के बाहर जाने पर सबसे पहले क्या पड़ा नीरज? कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था, तो फंदा लगा हुआ था। उसके बाद तो फिर हमारे होश वो सब गायब हो गए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद इतने में फिर उन्होंने जो भी पुलिस रह गई हॉस्पिटल वगैरह कॉल किया, फिर तब तक उनकी सिस्टर भी आ गई थी। नीरज ने बताया कि यूरोप से आने के बाद से ही सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। जो खर्चा वर्चा जो इधर उधर था वो सब, मतलब जो सामान आना जाना सब रिया मैम के हाथ में था, क्योंकि वो सर के क्लोज थे। क्योंकि हम तो गूंगे इंसान, हम क्या बोलेंगे, हमें तो जो बोलेंगे वो करना है हमें। कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था, तो कुछ भी चाहिए रहेगा किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी हैं उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, हम मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम, ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया दिया करती थी, ये करो ये लाओ। हाँ, वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। जी दवाइयाँ वगैरह तो रिया मैम देती थी, हम तो नहीं देते थे, वही देती थी दवाइयाँ वगैरह का। तो उनका ही जो भी चल रहा था, जो इलाज, जो भी, मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था, कैशिंग वैसिंग जो भी रहता है। यूरोप गए थे, यूरोप जाने से पहले ठीक थे, उसके वहाँ से आने के बाद थोड़ी उनकी तबीयत ना डाउन सी लग रही थी। अभी तक हमने आपको सुशांत के स्टाफ नीरज की बात सुनाई, अब आप उस शख्स की बात सुनेंगे जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था, जो 14 जून की सुबह सुशांत के घर में ही मौजूद था, वो शख्स जो सुबह से रात तक सुशांत का ख्याल रखता था। ये है सुशांत का कुक केशव। केशव ने उन सवालों के जवाब दिए जो सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर बार बार फ्लोट किए जा रहे थे। 13 तारीख को क्या हुआ था, मतलब एक दिन पहले? एक दिन पहले तो बस नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। जो 14 तारीख को सुबह बनी, मतलब कुछ था, मेरे को बोला आप कैसे थे, कैसे सब बढ़िया? हाँ बस सब बढ़िया, मतलब खुश था इतना वो तो नहीं था। अच्छा अच्छा, और ये, और फिर 14 आप लोगों को कैसे देखा, आप लोग के घर में क्या हुआ था, कैसे देखा आप लोगों ने? जैसे
14 तारीख को सुबह तो मैं जुड़ गया, जैसे एडवांस पैसे मिले थे लगे। अच्छा था, और उसके बाद मैं लॉक किया तो 15 दिन वो लोगों ने दो सब तो चार जन था, उन लोगों ने बताया अंदर से लॉक है, कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था, फिर हम लोग बोला सोया होगा, थोड़ा देर में उन लोगों ने ऊपर भेजा दीपेश और उसको बुद्धो को, फिर उन लोग लॉक किया और फोन किया तो अंदर से रिंग बजता था, नहीं उठाता, उसके बाद फिर वो गोरेगांव दीदी नीता दीदी को फोन किया, फटाफट छाने वाले को बोला के लॉक तोड़ो बोल रहा। अच्छा अच्छा ओके। और ये रिया का व्यवहार कैसा था, रिया का, क्यों अशोक भाई बता रहे थे कि सारे पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया, किसी को रखा नहीं, सारा नया स्टाफ लेके आया। वो तो सर अभी आता रहता था, वो तो पुराना आएगा बनाया जाएगा, वो तो ऐसे होता है, हाँ, लेकिन अब काफी सारा निकल गया था। यार ब्रेक।